नगर निगम ने शुक्रवार को भी अवैध व्यावसायिक भवनों के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई को अंजाम दिया। निगम के दल ने कार्रवाई करते हुए बड़ी होटलों से लेकर दुकानों तक को सीज किया तो बाजार के व्यापारियों में हड़कंप मच गया। वहीं कुछ स्थानों पर निगम के दल को विरोध भी झेलना पड़ा। भारी पुलिस जाब्ते के साथ पहुंचे निगम के दल ने दो होटलों को सीज किया। इस बीच होटल मालिक से निगम अधिकारियों की काफी बहस भी हुई, लेकिन दल के सामने मालिक की एक नहीं चली और होटल सीज कर दिया गया। होटल सीज करने से पहले वहां ठहरे मेहमानों को भी निकाला गया। पन्नीग्राम चौक में स्थानीय नेता और कुछ प्रभावशाली लोगों ने विरोध किया। यहां तक कि सीज किए गए ताले पर लगाए गए कपड़े और चपड़ी को भी फाड़ दिया। विरोध करने वालों का कहना था कि यह आवासीय भवन है। सलमान का एक उसने बिल्डिंग बनाई थी, 7 मंजिल उसने बिल्डिंग बनाई थी, वो गिर गई थी तो उसको हमने ये इन्होंने खरीदी उसको बिल्डिंग टूटी को, उसके बाद हमने ये बिल्डिंग बनाना शुरू कर। तो ये आए थे वहाँ पर नगर निगम के हमारे पास आए थे उस समय ही कि आप बिल्डिंग ये कैसे हमारे बन गए, तो हमने उनको राजस्थान सरकार के गजट नोटिस दिखाया था उनको कि इस ऑर्डर के अंदर, इस गजट नोटिस के अंदर किसी को भी यानी कि परमिशन लेने की जरूरत नहीं, जो कि बिल्डिंग आपदा में गिरी गई है उसमें किसी जरूरत नहीं है, न नक्शे पास करने की जरूरत है। जितनी बिल्डिंग गिरी थी हमने बल्कि उससे कम बनाया, वो 7 मंजिल थी हमने 4 मंजिल बनाई है, वो हमारे पास उसकी भी हमने 4 मंजिल का हमने नक्शा पास किया हुआ। भारी विरोध के बीच निगम के दल ने इस भवन के एक गेट को सीज कर दिया। इस पर यूथ कांग्रेस के नेताओं ने आंदोलन की चेतावनी दी। इसके बाद निगम का दल भगवानगंज चौराहे पहुंचा और सुभाष नगर में बनी 5 दुकानों को सीज किया। इसी तरह हटुंडी में भी सीज की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। सबसे पहले दरगाह बाजार में एक गेस्ट हाउस सीज किया, शनि मंदिर के पास एक गेस्ट हाउस सीज किया, सीता गौशाला के पास जो 2 दुकानें अवैध बनी हुई थी उनको सीज की, रामबाग भगवानगंज में सर्किल है वहाँ पे 8 दुकानें थी अवैध बनी हुई उन्हें सीज किया, फिर तारागढ़ रोड पे वहाँ पे 5 दुकानें जो बनी हुई थी उन्हें सीज की, और एक सबसे लास्ट में माखूपुरा हटुंडी के वहाँ एक भवन जिसमें कॉमर्शियल एक्टिविटीज चल रही थी और जो कि एग्रीकल्चर लैंड पे नियम विरुद्ध बनाया हुआ था, वहाँ जो भी व्यावसायिक गतिविधियाँ जो यूज की जा रही थी 2 दुकान प्लस एक जो कोचिंग सेंटर का जगह वो सीज किया। कुल मिला के 7 जगह आज नगर निगम के द्वारा सीज की गई। गौरतलब है कि अवैध व्यावसायिक भवन मामले में 13 जुलाई को हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। इस दौरान निगम द्वारा चिन्हित 450 भवनों के खिलाफ की गई कार्रवाई का ब्यौरा हाईकोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, लिहाजा निगम के दल ने लंबी नींद के बाद शहर में ताबड़तोड़ सीज कार्रवाई शुरू कर दी।